आज हम बेल पूड़ी बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए हमारे कोलकाता में झाल मुड़ी बोलते हैं। ये देखिए फलियाँ लिया है हमने, उससे हमने बनाया है। ये देखिए हमने एक बोल में ले लिया है, मुड़ी बोलते हैं हमारे उधर, इधर फलियाँ बोलते हैं। ये देखिए हमने एक बोल ले लिया है, अभी इसमें हम मुड़ी डाल देंगे। देखिए पहले हमने पकौड़े लिया है, ये कोलकाता का मशहूर पकौड़े हैं, चप बोलते हैं इसको। भुजिया ले लिया है थोड़ा सा, ये प्याज टमाटर एक हरी मिर्च कट कर लिया हमने, अभी इसे हम मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए इसको तोड़ लेंगे हम हाथों से। ये देखिए इसमें आलू भरा हुआ है, ये अलग तरीके से पकौड़े बनाते हैं हमारे उधर। मैं भी एक दिन इसका रेसिपी डालूँगी बनाकर, आपके उधर नहीं मिलता है तो आप पकौड़े बनाकर भी ऐसे मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे इसको। ये डालते तो और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसमें हर चीज़ मिला होता है, मसाला वगैरह। अगर आपको नींबू डालना पसंद है तो आप नींबू डाल सकते हैं थोड़ा सा। अभी ऊपर से हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इसको। ये देखिए थोड़ा सा प्याज हमने काट कर रखा है, प्याज डाल लेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये देखिए टमाटर ऊपर से डाल लेते हैं अच्छी तरह से, हरी मिर्च जो काट कर रखे उसे भी डाल लेंगे हम ऊपर से, भुजिया थोड़ा सा डाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा बेल पूड़ी बनकर रेडी हो चुका है, झाल मुड़ी बोलते हैं हम लोग। ये देखिए सुबह शाम का नाश्ता पूरे घर भर खा लेंगे अगर ऐसे बनाएंगे तो। ये देखिए हमारी बेल पूड़ी बनकर रेडी हो चुकी है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।